टेक पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों टेक्नो अपना नया स्मार्टफोन टेक्नो फैंटम एक्स को इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले टेक्नो ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था टेक्नो पोवा 5G, जिसकी प्राइस 19,999 रुपये थी। उसके बाद ये इनका दूसरा सबसे महंगा फ़ोन होने वाला है टेक्नो फैंटम एक्स। इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी और पहली बार टेक्नो यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले के साथ फ़ोन लॉन्च करने जा रही है। तो नो डाउट जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतना सब कुछ देने के बाद इस पर ट्रस्ट लोगों का काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर कोई 20,000 की रेंज में टेक्नो का फ़ोन परचेज करना हो तो आप लोग परचेज करोगे या फिर नहीं। बाकी आज की वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं टेक्नो फैंटम एक्स के बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, किस प्राइस रेंज पे आपको देखने को मिलेगा, किस कलर ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इससे पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डिटेल्स में इसी टेक्नो फैंटम एक्स के बारे में। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट पर डिस्प्ले मिलेगी और यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो डिज़ाइन होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो ये वाला फ़ोन 108 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 48+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। हाँ, तो जो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी होगी वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। बाकी मेगापिक्सल के हिसाब से कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 108 मेगापिक्सल दे दिया या फिर 64 मेगापिक्सल दे दिया तो फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ये एक तरीके का स्कैम होता है, क्योंकि अगर मेगापिक्सल पे फोटोग्राफी अच्छी होने लगे तो फिर आईफोन 12 मेगापिक्सल की जगह 200 300 400 मेगापिक्सल लिखने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी 108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल पे सेल्फी आपको या कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का हेलियो G95 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल सकता है। बैटरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 4700 mAh की बैटरी मिलेगी। इसको चार्ज करने के बॉक्स में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल सकता है। बाकी ये कन्फर्म्ड स्पेक्स नहीं है, ये र्यूमर्ड है। हो सकता है जब लॉन्च हो तो इसकी बैटरी हो सकता है 5000 mAh या प्रोसेसर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल सकता है, बट हाँ होगा तो एक 4G प्रोसेसर ही। अगर G95 के साथ आता है, अगर इसकी प्राइस 20,000 रुपये होती है तो ये टोटली ओवर प्राइस्ड लगेगा। हो सकता है ये लोग ओप्पो F21 से इंस्पायर हो गए हों, क्योंकि जब वो स्नैपड्रैगन 680 20,000 से ऊपर दे सकते हैं तो फिर टेक्नो भी वही से कर रहा है कि ये G95 20,000-21,000 रुपये में आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये वाला फोन एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा। सिक्योरिटी की अगर बात करें इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक का फीचर्स भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। रैम सपोर्ट और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट मिलेगा, UFS 2.1 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएगा। इसके साथ ही साथ इसमें आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, या फिर वर्चुअल रैम उसको बोल सकते हैं, मतलब अप टू 5GB तक अपनी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं इंटरनल मेमोरी से। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपके जो डेली यूजेज है या डे टू लाइफ में जितना भी आप लोग फ़ोन यूज करते हैं तो उससे जो एक्सपीरियंस आपका होगा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इस वाले फ़ोन से देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये वाला फ़ोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। एक 8GB 128GB जो हायर वेरिएंट होगा, 8GB 256GB। तो जो बेस वेरिएंट होगा उसकी प्राइस 18,999 रुपये हो सकती है, जो हायर वेरिएंट होगा उसकी प्राइस 20,999 रुपये या फिर 21,999 रुपये तक हो सकती है। बाकी जब लॉन्च होगा उसके बाद ही कन्फर्म प्राइस पता चलेगी, इससे कम भी हो सकती है या थोड़ा सी ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको 4G फ़ोन वो भी 20,000 से 21,000 रुपये में परचेज करने को कोई बोले तो आप लोग इसको परचेज करना चाहोगे, या फिर टेक्नो कंपनी पे आप लोगों का कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, या फिर इसी प्राइस सेगमेंट में अदर ब्रांड पे ट्रस्ट करना चाहोगे, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत से ऐसी कंपनी हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप लोगों का कन्फ्यूजन तो हो जाएगा। तो इस बीच अगर आपको टेक्नो का फ़ोन चूज करना है तो आप लोग चूज करोगे या फिर नहीं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।